हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको एक प्लांट दिखाने वाली हूं जो कि बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, उसी पे हम आज बात करने वाले हैं। बस थोड़ी सी अपडेट आपको देने वाली हूं। उससे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हमारे यहाँ नहीं मनाया गया रक्षाबंधन, मतलब सभी जगह लगभग नहीं मनाया गया क्योंकि कल भद्रा लगा हुआ था। तो आज सुबह सब ने राखी बांधी, कुछ लोगों ने कल रात को बांधी, कुछ ने आज सुबह सुबह एकदम 7 बजे बांधी राखी। तो आप सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी भाई बहनों को। उसके बाद मैं आपको अपना प्लांट दिखा देती हूँ जो मैंने 1 महीने पहले ग्राफ्टिंग की थी। लगभग 25 दिन या 1 महीने हुए हैं इस प्लांट को ग्राफ्ट किए हुए, और देखिए इसमें फ्लावर भी आ गया है, काफ़ी खूबसूरत से लग रहा है। और कोई कोई मतलब ऐसी वेरायटी होती है ना जिसमें बहुत जल्दी फूल आते हैं, तो ये मेरे ट्रिपल लेयर की रेड कलर की वेरायटी है जो काफ़ी खूबसूरत है। और मैंने 1 महीने पहले इसको ग्राफ्ट किया था और एक बड़े प्लांट पे ग्राफ्ट किया था। ये देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ग्राफ्टिंग की है जिस पे देखिए कई सारी ब्रांच निकल करके आई हैं, और मतलब कई कलर है। इस ये अलग वेरायटी है, ये अलग वेरायटी है, नीचे वाला ये एक ब्रांच अलग है। एक येलो का भी मैंने किया है, ये देखिए एक येलो वाला है जो फ्लावर वहाँ पर खिला हुआ है, वो येलो कलर। तो इस तरह से 4-5 मैंने किए थे। एक मैंने और भी रेड येलो और पिंक का जो मिक्स वाला फ्लावर था उसको भी किया था, लेकिन वो वाली ग्राफ्टिंग मेरी फेल हो गई। रीज़न क्या था, इसको मैंने धूप में प्लांट को शिफ्ट कर दिया जिसकी वजह से वो ग्राफ्टिंग मेरी ख़राब हो गई। तो यही बस दिखाना था आपको कि देखिए 1 महीने में ग्राफ्ट करने के बाद हमारे प्लांट में फ्लावर भी आ गया है। और एक बार आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ, सभी भाई बहनों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।